नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रिंस और आपका अपने YouTube चैनल गार्डनिंग विद प्रिंस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही खूबसूरत जो इंडोर प्लांट है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये हमारा इंडोर प्लांट हमने हाथ पे ले रखा है, फाइकस स्टार लाइट। इसको हम इंडोर पे लगाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत लो मेंटेनेंस, बहुत ज्यादा इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बट कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना होता है जिससे आप इस पौधे को बहुत अच्छा चला सकते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा और किस तरीके से इसको हम अभी लेकर के आए हैं इसको नर्सरी से। तो इसको अभी हम लगाएंगे, अभी ये प्लास्टिक पैक पे है, अभी इसको निकाल करके हम अपने गमले पे लगाने वाले हैं। तो गमले में लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, यानी कि जो गमला है हमारा उसमें ड्रेनिंग होल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे से होना चाहिए, क्योंकि ये जो पौधा है इसको बहुत ज्यादा, इस पे अगर वाटर रुकता है तो बहुत अच्छा इसको नहीं लगता है, यानी कि बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकलना चाहिए। वैसे भी गमले पे अगर आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पानी रुकने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मिट्टी का विशेष ध्यान देना चाहिए, जो हमारी सॉयल हम बनाने वाले हैं वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि उसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे वो ड्रेनिंग इफेक्ट हो, पानी ज्यादा उसमें रुके ना। तो अभी हमने इस पौधे को लगाने के लिए यहाँ पे गमला ले रखा है। तो इस पौधे के बारे में और कुछ बताते हैं, इसको जो है ना बहुत ज्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग ज्यादातर इसको इंडोर पे ही रखते हैं। आउटडोर पे भी इसको आप रख सकते हैं, बट इसके लिए बहुत ज्यादा इसको धूप की जरूरत नहीं होती, इसको बहुत ज्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए और थोड़ी बहुत देर सुबह की अगर धूप लग जाती तो अच्छा होता है। अगर इस पे धूप बहुत ज्यादा पड़ती है तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, इसकी जो पत्तियां होती हैं जल जाती हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पत्तियां इसकी ये जली हुई पत्तियां, इनको हम हटा देंगे अभी यहाँ से। ये इस वजह से हुआ क्योंकि शायद नर्सरी पे ऐसा जगह पे रखा होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप पड़ी होगी, इससे पत्तियां जली होंगी। ये पौधा लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है और देखने पे आप इसको इंडोर पे रखेंगे, थोड़ा बहुत ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर अच्छी खासी लाइट आती है, बहुत ज्यादा धूप ना आती हो, लाइट अच्छी खासी आती हो, बहुत अच्छा चलेगा। और इसको चलाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें 15-15 दिन में आपको फर्टिलाइजर देना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइजर आप अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी देने की जरूरत नहीं है, 15-20 दिन पे आप दे सकते हैं। बात करें कि इसको किस तरीके की टेम्परेचर जरूरत होती है, तो इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही नम टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि एकदम रूखा रूखा रहता हो या बहुत सूखी जगह पर रख दो, वहां पर नहीं ये सही तरीके से चल पाता है। तो आइए इसको लगाते हैं और साथ में बताते जाएंगे क्या क्या और भी चीजें होनी। हमने यहाँ पर एक जो गमला लिया हुआ है, ये गमला हमारा देखिए इसमें वेल ड्रेन्ड, इसमें नीचे से होल बना हुआ है जिसके ऊपर एक दीपक है, दीपक को ऐसे लगा देते हैं इसके ड्रेन पर जिससे कि जो पानी हो, एक्स्ट्रा वाटर हो, साइड से निकल जाए। और इसके ऊपर हम कुछ जूट के रेसे डाल देंगे जिससे कि और भी अच्छी तरीके से फिल्टर होकर निकल जाए और हमारी अच्छी वाली जो सॉयल हमने डाली है ना इसमें वो बेकार ना जाए। बात करें अगर हम सॉयल की, तो हमने क्या सॉयल यहाँ पे ले रखी है, सॉयल दिखाने वाले हैं। तो ये हमने सॉयल ले रखी है यहाँ, और ये जो सॉयल है हमारी इस पे रिवर सैंड है और आपकी गार्डन सॉयल है, साथ में हमने इस पे कंपोस्ट मिलाया हुआ है और इसके साथ में ये हमने यहाँ पे कोकपिट ले रखा है जिसको हम मिक्स करने वाले हैं। दोस्तों, लगभग आधा पार्ट हमने यहाँ पर भर रखा है कि जो हमने अपनी गार्डन सॉयल और इसका सॉयल का अपने कॉम्बिनेशन हमने लिया था उससे हमने आधा पार्ट लगभग भर लिया है। अब इस प्लांट की इसकी जो है ना पन्नी को हमें पीछे से जो पैकेट आता है इसमें भरा हुआ उसको निकालना पड़ेगा और इसके पैकेट को हम बाहर निकालते हैं, बहुत ध्यान से निकालेंगे कि इसकी जड़ें न टूटें। इसमें जो उन्होंने मिट्टी प्रयोग करी है बिल्कुल ये लाल मिट्टी, जैसे कि गेरू जैसी मिट्टी होती है वो प्रयोग करी है और ये बहुत ज्यादा चिपकने वाली मिट्टी है, टाइट वाली मिट्टी, तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी हम कम कर देते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी जो है ना सही तरीके से इसमें जड़ें फैल नहीं पा रही है और वो एक जगह इकट्ठी होकर रह गई है। अब इसके रूट पे हम थोड़ा सा ये एग्रो बूस्टर जो कि हमारे छोटे मोटे इंसेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा, जो फंगी वगैरह के लिए बहुत फायदा करता है और साथ में ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका हम यहाँ पे थोड़ा जड़ों में छिड़काव कर देते हैं। लगभग इसको ऐसे जगह पे लगाएंगे कि बिल्कुल ये सेंटर पे हो, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी मिट्टी को कम हमें करना पड़ेगा, 20 से ये सेंटर पे इसको लगा देंगे हम जिससे जड़ें इसकी चारों तरफ फैल सकें और इस पौधे पे बाकी जगह पे पूरे में मिट्टी हम भर देते हैं। जो हमारी वेल ड्रेन्ड सॉयल है उसको हमने डाल दिया है, पौधा हमें बहुत ही अच्छी कंडीशन पे नहीं मिला हुआ है क्योंकि इसकी बहुत सारी पत्तियां जली हुई भी हैं और पौधा लगभग ये लग गया है। हमने मिट्टी यहाँ पर डाल दी है, डालने के साथ साथ में हम इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी ऊपर से डाले दे रहे हैं, लगभग एक मुट्ठी हमने वर्मी कंपोस्ट ले रखा है, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। और इसके बारे में कुछ और चीजें बताना चाहूंगा आपको कि इसमें
इस पौधों को जो है नम वातावरण अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा नमी बना के रखेंगे। इसकी पत्तियों पे अगर हम वाटर से थोड़ा सा स्प्रे डे बाय डे करते रहें, ऊपर से केवल पत्तियों पे ही स्प्रे करें, जब इसमें पानी में मिट्टी में पानी डालने की जरूरत नहीं है। मिट्टी में पानी तभी डालें जब पानी इसका कम हो। अगर इसको इंडोर पर रख रहे हैं आप, तो इंडोर पर रखने के लिए पानी की मात्रा कम होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा आपको नहीं डालनी है। क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाएंगी, हल्की सी ब्राउनी हो जाएंगी और नीचे की ओर झड़ने लगेंगी। तो आप समझ जाइए कि आप पानी इस पे ज्यादा डाल रहे हो। तो इस तरीके से इसको आप बहुत बेहतर तरीके से चला सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और अभी मैंने इसको लगाया हुआ है, कुछ दिन बाद इसको मैं आपको जरूर दिखाऊंगा किस तरीके से ये अच्छा सा डेवलप होने वाला है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छे से केयर होने वाली है, और बताऊंगा किस तरीके से केयर करके आप इसको अच्छे से डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, फाइकस स्टारलाइट का वीडियो आपको आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, जिससे हमारे जो भी वीडियोस आएंगे नोटिफिकेशन उनका रेगुलर आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।